लोकस नगर मेला महोत्सव का हुआ शुभारंभ। आज छतरपुर जिले के लोकस नगर के मेला ग्राउंड में शुरू हुआ मेला महोत्सव, मेला प्रदर्शनी का शुभारंभ भाजपा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह बाबूराम ने फीता काटकर किया और प्रदर्शनी का भ्रमण कर प्रदर्शनी में आए दुकानदारों से बातचीत की। कोविड-19 के कारण एक साल तक किसी भी प्रकार के मेला प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया गया। इस तरह की मेला प्रदर्शनी लगने से लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। प्रदर्शनी का आयोजन कल्लू सौदागर के द्वारा संचालित किया गया। भाजपा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह के साथ वरिष्ठ पत्रकार जावेद खान, सेरा ठेकेदार वेद प्रकाश, श्याम जी पाटकर, सैलू अग्रवाल रहे मौजूद। आप लोग दिखाऊंगा कोविड-19 की वजह से बहुत से लोग, व्यापारी सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान थे। जो अपना धंधा बिजनेस को लेके दो रुपए के लिए भी परेशान हुए थे, घर परिवार भी पत्ती परेशान हो गए थे और बाकी अन्य लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें भी इस बार से ही लग रहा था कहीं टूर्नामेंट हो रहा है नहीं हो रहा है या हमें यहाँ पर अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ऐसी स्थिति बनी थी। तो कमेटी के लोग आए, कमेटी के लोगों ने चर्चा की तो मैंने क्रिकेट प्रेमियों को आश्वासन दिया कि नई साल भी क्रिकेट टूर्नामेंट में अंतर्राज्यीय होगा और बाहर की टीमें आएंगी, आप लोग उसका प्रदर्शन देखें, उनका उत्साह प्रदर्शन करें। उन्होंने जैसे 10 तारीख से हमारे माननीय मंत्री जी ने आके उद्घाटन किया टूर्नामेंट का और समापन हुआ 18 तारीख को। इसके बाद बीच में चर्चाएँ आई नगर के व्यापारियों से, मैंने जाकर मिला और बोला तो ये कि प्रदर्शनी का आयोजन लोकसंघ करा दिया जाए जिससे महिलाओं बच्चों का भी मनोरंजन हो, वो भी इस कोविड-19 की वजह से चहल पहल घूम घाम ना उनका बंद है या वहाँ जाना बंद था, तो कम से कम इसमें लोगों का उत्साह और बच्चों को भी आनंद आएगा। ऐसे ही एक छोटी प्रदर्शनी का रूप यहाँ लोकसंघ मेले में रखा जाए तो मैंने अनुभागीय अधिकारी SDM महोदय, तहसीलदार महोदय से एवं थाना प्रभारी और SDO साहब से बात की कि क्यों ना एक नगर में छोटी सी प्रदर्शनी एक मेले का रूप दिया जाए जिससे घर में जो महिलाएं बच्चे बैठे हैं कहीं आ जा नहीं पाए एक साल से, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुंठा है और डर व्याप्त है, उस डर को ख़त्म किया जाए जिससे धीरे धीरे करके लोग बाग घरों से निकल के आनंद और थोड़ा अपने आप को बहलाने का एक साधन बने। तो मैंने अपने कल्लू सौदागर लोकल नगर के मेला व्यापारी है, यहाँ वहाँ हम दुकान लगाने जाते हैं बाहर, उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम इन दुकानों को काफ़ी हमारे पास और भी लोग हैं जो बेरोजगार घर में बैठे हैं, जो परेशान हैं, उनका भी धंधा बिजनेस चलेगा, 4 पैसे उनके परिवार के लोगों को भरण पोषण के लिए मिल जाएंगे, इससे अच्छा क्या है। तो हमने कहा उनसे आप संपर्क करिए, तो हम मैं कल्लू सौदागर के साथ में अन्य व्यापारियों से अन्य दुकानदारों से मिला, उनसे मैंने बात की तो बड़े वो खुश हुए, भाई इससे अच्छा क्या है, हमारे 4 पैसे हमारे परिवार के लिए भी मिलेंगे, तो ऐसा आयोजन करने की व्यवस्था की। और आज सभी के साथ मैंने इस प्रदर्शनी का लोकार्पण किया और सब में बच्चों में महिलाओं में मैंने उत्साह देखा, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि कम से कम लोगों का जो कोरोना के प्रति भय था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आज अपने छतरपुर ज़िले में कोरोना मुक्त जिला है हमारा छतरपुर जिला, टोटल कोरोना मुक्त हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे कलेक्टर साहब एवं SP साहब सभी पूरे प्रशासनिक अधिकारी इस चीज़ से कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा जा करके लोगों के बीच में भय, और अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है उसका भी कोई वो नहीं है, धीरे धीरे लोग अपने जैसे जीवन पहले चल रहा था एक साल पहले उसी प्रकार धीरे धीरे सब रूटीन में आ जाएगा, सब व्यवस्थाएँ अच्छी तरह से अच्छे सुचारू से चलने लगेगी। क्षेत्र में पिछले एक साल से कोई भी मेला का आयोजन नहीं हुआ है, तो क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो प्रदर्शनी के लिए? मैं सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से बराबर एलाउंसन में करा अपील कर रहा हूँ कि अपने परिवार बच्चों के साथ में आएँ और यहाँ पर
इस मेला में प्रदर्शनी का आनंद लें और सभी व्यापारियों का भी उत्साहवर्धन करें कि उन्हें भी कहीं ना कहीं उस जो बेरोजगारी से टूट रहे थे आज उन्हें कहीं ना कहीं दो चार पैसे उनके परिवार उनको मिले, जिससे उनका भी भरण पोषण हो और पूरे परिवारों का भी आनंद और उत्साह मनोरंजन हो। सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं हैं? स्वास्थ्य दृष्टि हम यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगवाए हुए हैं, कोई असामाजिक तत्व वगैरह या फिर कोई घटना ना हो और सभी लोग प्रेम उत्साह से एक मेला का आनंद लें। एक पुलिस चौकी की व्यवस्था कराई, मैंने यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर पुलिस चौकी की व्यवस्था की है। यहाँ एक अपने लोकसभा थाने से एक पुलिस कर्मचारी या TI साहब से हम बीच बीच में इसका निरीक्षण करेंगे, यहाँ पर परमानेंट मौजूद रहेंगे जब तक ये मेला चल रहा है, वो सुरक्षा व्यवस्था पूरी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।